फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सांस फूलने की प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि ये खुद एक लक्षण है, इसके अलावा आपको और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपकी सांस फूल रही है तो किस वजह से फूल रही है, और होम्योपैथिक मेडिसिन आपको किस तरह से मदद दे सकती है इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सांस फूलने के आखिर कारण क्या क्या हो सकते हैं। सिंपल सा जो नॉर्मल सा हम देखते हैं कि अगर हम जल्दबाजी कर रहे हैं या हम कोई काम फटाफट कर रहे हैं, घबराहट है, थोड़ा सा स्ट्रेस है या पैनिक अटैक आया, यानी कि हम घबरा गए किसी कंडीशन को लेके तो हमारी सांस फूलने लग जाती है। ये सबसे नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको रिपीटेड ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर आपको ये किस वजह से हो रहा है। अगर आप मोटापा है तो भी आप देखते हैं कि आपको सांस फूलने की शिकायत हो जाती है। ओबेस हैं, ओवर वेट हैं तो भी आप ये देखते हैं कि आपको सांस फूलने की शिकायत हो रही है। इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई ना कोई लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, चाहे वो COPD हुआ यानी कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हुआ, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम थी। लंग फाइब्रोसिस हुआ, लंग कैंसर हुआ, लंग्स का आपको पास्ट में न्यूमोनिया हो चुका है, TB हुआ है तो भी हो सकता है कि आपकी सांस फूले, क्योंकि इससे क्या होता है, इन सब कंडीशंस में लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। और जब हम कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें एफर्ट लगता है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है और उसमें हमको सांस ज़्यादा चाहिए, एयर ज़्यादा चाहिए, तो लंग की कैपेसिटी कम होने की वजह से वो बहुत तेज़ी से एयर खींचता है और हमको ऐसा लगता है कि हमारी सांस फूल रही है, हम तेज़ी से सांस ले रहे हैं। अस्थमा की कंडीशन जो होती है उसके अंदर भी हमको देखने को मिलता है कि सांस फूल रही है और CT जैसी आवाज़ आ रही है, हालांकि उसके साथ सिम्टम्स और बहुत सारे जुड़ जाते हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर डिजीज़ है उस वजह से सांस फूल रही है, या नॉर्मल ये सांस फूलना यहाँ पर नॉर्मल है। इसके अलावा अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें तो एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में भी आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के अंदर आप देखते हैं कि आपको सांस फूल रही है। कॉमन कोल्ड कफ जो होता है, जो फ्लू होता है, उसमें भी सांस फूलने की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि उस समय लंग्स में एयर वेस जो होते हैं, आपके एयर पेसेस जो होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं कैपेसिटी कम हो जाती है एयर पैसेजेस की और आपकी सांस फूलने लगती है। अभी रिसेंटली जो COVID-19 आया था उसके अंदर भी काफ़ी लोगों को इस तरह की दिक्कत हुई थी, सांस लेने में परेशानी, घुटन घुटन से महसूस हुई थी। इसका रीज़न ये था क्योंकि COVID-19 का जो मेन फोकस एरिया था, जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान किया, वो था लंग्स का एरिया, यानी कि लंग्स पे उनका बहुत ज़्यादा अटैक था और लंग्स की कैपेसिटी वो काफ़ी कम कर रहा था, इसीलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल रही थी। इसके अलावा अगर आप एनीमिया के शिकार हैं, खून की कमी अगर आपके शरीर में है तो भी आपको सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। हार्ट डिजीज़ किसी भी टाइप की हो, चाहे वो वॉल से रिलेटेड हो या आपके नॉर्मल कोई हार्ट डिजीज़ हो, कार्डियोमिगेली हो, हार्ट से रिलेटेड एंजाइना की प्रॉब्लम हो, तो भी आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी तरह का आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जो आपके लंग्स पर अटैक करते हैं, तो आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अगर आप अनफिट है, पूरी तरह से आप फिट नहीं, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं CRP बढ़ा हुआ है, यानी कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपकी बॉडी में कहीं ESR बढ़ रहा है, बॉडी अगर आपका ESR जो है उसकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है, आपकी RBC बहुत ज़्यादा टूट रही है, मतलब आपका ब्लड का रिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी आपको सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके ब्लड में कई थक्के बन रहे हैं, तो भी आपको हो सकता है कि ब्लड की पूरी सप्लाई नहीं होने की वजह से ब्रीथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़े। स्मोकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लंग्स पे इफेक्ट आता है और उस वजह से आपको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जैसे स्मोकिंग करते हुए आपको टाइम हो जाता है, वैसे वैसे देखते हैं कि सांस फूलने की जो तकलीफ है वो बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन विद टाइम क्योंकि स्मोकिंग धीरे धीरे आपके लंग्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने लगती है और आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को बढ़ा देती है।
दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो आपको क्या अपने डेली रूटीन में चेंजेस करना चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो है लंबी लंबी सांस लेना। गहरी गहरी सांसें लेके धीरे 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 सांस लेनी है और धीरे धीरे ही निकालनी। इससे क्या होता है, आपका जो लंग की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो कम होने लगता है। अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे जो पॉल्यूटेड है और जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और आप अगर लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते भी तो वहाँ पे आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना रूम, आप अपना ये जो एक्सरसाइज है वो अपने रूम में कर सकते हैं, बाहर खुली हवा में ना करें और एयर प्योरीफायर लगा के करें, क्योंकि ताकि क्या होगा कि जो आपका आसपास का पोल्यूशन है वो एयर प्योरीफायर से कम हो जाएगा, बिल्कुल नील रह जाएगा। फिर आप इस चीज़ को, जो गहरी गहरी सांस लेने की जो चीज़ें हैं, प्रक्रिया है, उसको अपनाएं तो धीरे धीरे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन इंस्टेंट अगर हमको रिजल्ट चाहिए और हम चाहते हैं कि मतलब जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है वो, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और हमारी सांस फूल रही है, या अस्थमा के कारण अगर हमारी सांस फूल रही है, तो उसके लिए आप मेडिसिन की आवश्यकता है। इसके लिए हम होम्योपैथी मेडिसिन की चर्चा करेंगे। दोस्तों वैसे तो सांस फूलने की होम्योपैथी में काफ़ी सारी ढेर सारी मेडिसिन है। अगर आप अस्थमा की वजह से सांस फूलने की शिकायत है तो अस्थमा की मेडिसिन के साथ आपको सांस में लेने में की जो दिक्कत है उसकी मेडिसिन लेनी ज़रूरी है। एनीमिया की वजह से तो आप एनीमिया का ट्रीटमेंट लीजिए और उसके साथ सांस में लेने की दिक्कत की दवा लीजिए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक जनरलाइज में सिर्फ सांस में लेने की, अगर आपको सांस में लेने की दिक्कत हो रही है, जनरलाइज एक सिम्टम मैंने लिया है कि सिर्फ आपको सांस में लेने की दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको कोई रीज़न पता नहीं है किस वजह से हो रही है, तो आप क्या मेडिसिन ले सकते हैं जो आपको रिलीफ दे, तो उसके लिए दोस्तों मैं अभी इस वीडियो में बातचीत कर रही हूँ। बाकी डिजीज़ वाइज अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे, डिजीज़ वाइज आप सांस लेने की दिक्कत की दवा लेंगे, जैसे एनीमिया है तो उसमें एनीमिया की दवा के साथ सांस लेने की दिक्कत की दवा लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक जनरलाइज जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है एस्पिडोस परमा क्यू, जो हमने COVID-19 में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की थी। एस्पिडोस स्पर्मा क्यू जो मदर टिंचर है, ये सांस लेने की दिक्कत को काफ़ी हद तक कंट्रोल में करती है और ये जो आपका लंग्स है उसको स्ट्रेंथ देती है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देती है। तो ये मेडिसिन लेनी है एक तो आपको मदर टिंचर, दूसरी मदर टिंचर जो बहुत अच्छी है और आपके वो अदर सिम्टम्स को भी कंट्रोल करेगी, आपकी पूरी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, उस मेडिसिन का नाम है ओसिमम सेंक्टम मदर टिंचर। जी हाँ, ओसिमम सेंक्टम मदर टिंचर जो मेडिसिन है वो तुलसी से बनती है। इन दोनों मेडिसिन को आपको मिलाना है और इसकी 20-20 बूंद आपको दिन में 3 बार लेना है। अगर आपको सांस में लेने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो विद इन 4-5 डेज आप देखेंगे जो आपकी सांस में लेने की जो दिक्कत है वो पहले से काफ़ी कम हो गई है। लेकिन साथ ही आप अपने कारणों का भी पता लगाइए कि आपको सांस में लेने की दिक्कत किस वजह से हो रही है और उसके अनुसार फिर आप मेडिसिन उसके साथ ऐड कर सकते हैं, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि ये मेरी बताई हुई जानकारी किसी और के काम आ सकती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करके अपने वैल्यूबल राय जरूर दीजिए कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।